नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। ग्वालियर में इस बार मतदाताओं में जोश दिखाई दिया है। बीजेपी उम्मीदवार का कहना था कि वोटिंग परसेंटेज अधिक होने का लाभ भाजपा को मिलेगा। सभी राजनीतिक दल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। तो आपको बता दें कि कल मतदान हुआ है, जहाँ ग्वालियर में भी मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। विधानसभा चुनाव के तहत ग्वालियर, इस विधानसभा सीट 15 ग्वालियर में भी मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से लगातार लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मतदान केंद्र का क्रमांक 281 और 282 है, जिसे कि संवेदनशील बूथ के रूप में माना गया है। और इसी के कारण से यहां पर पुलिस के साथ साथ BSF की भी तैनाती की गई है। और इसमें दो जगह मतदान चल रहा है, जिसमें 281 बूथ पर और मतदान केंद्र 282 पर। और यहाँ पर सुबह से जो बीच बीच में कतारें लगी हुई हैं और आ रहे हैं लोग, और आने के साथ साथ यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मैडम, अभी तक कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है, कितने लोग अभी कितने लोग आ चुके हैं, कि सुबह कैसी भीड़ थी? सुबह तो थोड़ी सी भीड़ थी। अभी बराबर वही रेंज है, सुबह वाली 200 से ज्यादा हो गए। यही बूथ है जिस पर कि नरेंद्र प्रद्युमन सिंह तोमर वोट डालते हैं, उनके परिवार के लोग? हाँ, यही पे आएंगे, आंगनवाड़ी, आदर्श आंगनवाड़ी में ही प्रद्युमन सिंह तोमर वोट डालेंगे। ये प्रद्युमन सिंह तोमर का भी पोलिंग बूथ है। और सबसे बात, आसपास जो माहौल बनाया हुआ है उसमें कम से कम संवेदनशील केंद्र के हिसाब से यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं बूथ, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली बार जो वोट डालने के लिए आए हैं उस कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में भी भारी उत्साह है। कार्यकर्ताओं के लिए, हालांकि दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं, और इस के लिए दिव्यांग के साथ साथ पिंक और आदर्श बूथ भी यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अब जो लोगों में उत्साह अलग देखने को मिल रहा है, हालांकि ये बात अलग है कि इस बार जो मतदाता है वो साइलेंट वोटर के रूप में काम कर रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। तो लोकतंत्र के महापर्व के दिन जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीणों ने भारी उत्साह देखा गया है। और पनागर विधानसभा में सुबह 7 बजे से ही महिला और पुरुष लाइन में खड़े हुए नजर आए और वोट किया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने भी अपने परिवार के साथ ग्राम पुरैना के मतदान केंद्र में वोट डाला। लोकतंत्र का महापर्व अब शुरू हो गया है, क्योंकि जो भी यहाँ के राजनीतिक दल हैं वो उनके चुनने के लिए जो मतदाता हैं वो सुबह से ही कतारों में लग चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पनागर की विधानसभा के ग्राम पुरैना में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भारी संख्या में अपना यहाँ मतदान करने यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शुक्रवार को मतदान के दौरान छतरपुर में चुनाव ने खूनी रूप ले लिया है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी नातिराज और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान खान की मौत हो गई है। इस पूरे मामले की खबर आई तो इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। वहीं पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रने फॉल से तौलिया की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया जी, उनका उनके साथ कुछ गाड़ियां थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवर विक्रम सिंह नातिराजा, उनके साथ भी कुछ गाड़ियां थी। वो दोनों अपना अपना प्रचार करके एक दूसरे के सामने रोड में आ गए। उनमें कुछ आपस में बहस और गाली गलौच हुई, इस तरह की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और जब वो जाने लगे तो उनके द्वारा लड़के सलमान पिता हारून को गाड़ी से कुचल दिया गया, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का आरोप है। उनके द्वारा लिखित में इन सब तथ्यों को लेके आवेदन दिया गया है, और वो लड़का जो घायल हुआ था
उसको जिला अस्पताल छतरपुर चिकित्सा के लिए भेजा गया है। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां ग्वालियर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 282 पर बीजेपी प्रत्याशी पद्म सिंह तोमर की बेटियों यानी कि कृतिका और कनिका ने भी कल वोट डाला है और बात की हमारे संवाददाता जावेद खान ने। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव में एक अलग ही रोचक अंदाज देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि युवा वोटर्स खासकर प्रेरित हो रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और ये मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की बेटी हैं कृतिका, कीर्ति और कृतिका उनकी कजिन हैं। और आपने पहली बार वोट डाला है? जी, मेरा पहला वोट है। किस तरह का अनुभव रहा वोट डालने का? पहला वोट उनके लिए जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं जीतना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है मेरा पहला वोट डालकर। आपने चूंकि पहले डाल चुकी हैं और इस बार जो वोट डाला है, कितना फर्क देख रहा है यूथ में, कितना क्रेज है यूथ में? मतलब जागरूकता बढ़ी है पहले से मतदान को लेके, तो सब लोग ना वोटिंग परसेंटेज भी मुझे लग रहा है इस बार बढ़ेगा और सब लोग अपना मतदान का सही इस्तेमाल करें, ये बस। आपने पापा के लिए चुनाव प्रचार किया था? नहीं नहीं। क्या करती हैं आप? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप? मैं अभी कॉलेज में। तो ये यूथ प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की दोनों बेटियां, एक भाई की बेटी एक खुद की बेटी है, और दोनों यूथ के प्रति लगातार क्रेज है उनमें और लगातार ये बनती जा रही हैं और युवाओं में एक उत्साह कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं की पुत्रियों में भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में मुरार स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मतदान किया और चंबल से मुख्यमंत्री होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भाजपा में पदों की रेस नहीं है, भाजपा में जीतने की प्रतिस्पर्धा है, इसलिए 150 से अधिक सीट आए हैं, इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है, इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। इधर छतरपुर विधानसभा में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया है। विधानसभा सीट के धामची गांव में कुल 663 मतदाताओं में से 556 ने मतदान किया है। मतदान की प्रक्रिया कलेक्टर SP के निर्देश के अनुसार संपन्न हुई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के 51 विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में, जहां पर ग्राम धामची में यहां पर मतदान संपन्न किया जा चुका है। वहीं छतरपुर जिले की हम बात करें तो अलग अलग जगह पर मतदान किया गया है। वहीं काफी उत्साह के साथ छतरपुर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और छतरपुर में 66% से अधिक मतदान किया जा चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम धामची में, जहाँ पर 663 कुल मतदाता थे, जिसमें से 556 मतदाताओं ने यहां पर मतदान किया है। वहीं छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर और अमित सांगी के निर्देश अनुसार, जो कि छतरपुर पुलिस अधीक्षक हैं, इनके निर्देश अनुसार यहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पर ये मतदान संपन्न कराया गया है। INS के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लवकुश नगर और खजुराहो राजनगर का बताया जा रहा है, जिसका छतरपुर पुलिस ने खंडन करते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना जिले में नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन छतरपुर पुलिस ने इस वीडियो का खंडन किया है और कहा है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है क्षेत्र में। झाबुआ की तीनों विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच में 72.62% मतदान हुआ है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान करने वालों की भीड़ देखी जा रही थी। झाबुआ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने भी वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया है, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने भी भारी मतों से जीत का दावा किया।
आज मैंने अपना फर्स्ट वोट दिया है और यहाँ पे आके यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, जो सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी है और अपना फर्स्ट वोट देने के बाद अच्छा लग रहा है मेरे को और आप सभी को भी वोट देना चाहिए। सो आप सब अपना फर्ज निभाइए और वोट दीजिए। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, इसमें आज पहली बार आहुति देने का अवसर मिला है। अपने आप को अभिभूत पा रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ में भागीदारी ली है और मेरा वोट राष्ट्रहित में गया है, समाज सेवा के लिए जाएगा और मुझे भरोसा है कि जो वोट डाला है वो आगे 5 साल युवाओं के लिए काम करेगा। देखिए जबरदस्त माहौल है, हम ये कैंपेनिंग बहुत लंबे समय से चल रही है और जिस तरह का जोश है और एक मन बना लिया जनता ने कि इस बार तो सरकार को पलटना है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे आदिवासी है या महिला हो, सब ने मन बना लिया है। क्योंकि जो पिछले 18-19 साल का शासन काल रहा है बीजेपी का, वो जबरदस्त, उसमें ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचा होगा जो शोषित ना हुआ होगा। इधर भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, जबकि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने आपस में लड़ाकर वोट लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना से महिलाएं काफी प्रभावित हैं, महिलाओं को इन योजनाओं से काफी लाभ और सम्मान भी मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि प्रदेश में फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती, बीजेपी कभी भी किसी प्रकार के झगड़े नहीं करवाती। इतने वर्षों से शासन करते करते कांग्रेस को ये आदत पड़ गई थी कि लोगों का शोषण करो, लोगों को लड़ाओ, झगड़ा करवाओ और उसके बाद उनसे वोट लो। कभी भी उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, कभी भी उन्होंने जनता के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, कभी समाज के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। तो उन्हें तो वही चीज़ दिखती है और उन्हें ऐसा लगता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर हमने झगड़े नहीं करवाए तो शायद हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए झगड़े करवाने का काम, षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस ही करती है। भोपाल में वोट डालने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार की खींच के कारण कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ मैदान में खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन पर इनाम जारी है कांग्रेस ने उन्हें ही टिकट दिया है। इस समय अपनी मूल अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की खींच के कारण कांग्रेस जगह जगह पर गुंडागर्दी करने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने नहीं दी है, कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है और कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ही आएगी, कांग्रेस हमेशा झूठ फैलाने का काम करती है। इस तरीके के बयान वीडी शर्मा ने एक बार फिर से दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों, किसानों, बहनों और भाइयों के साथ ही मांझी भांजियों ने आज जिस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वह सराहनीय है। आप सभी ने सिर्फ वोट नहीं किया बल्कि प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के महायज्ञ में अपनी आहुति डाली है, जिससे निश्चय ही हमारे सभी संकल्प पूरे होंगे। तो आपको बता दें कि कल मतदान था, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट किया और उसमें मतदाताओं को बधाई दी। तो उन्होंने लिखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों, किसानों का सहयोग मिला है और ये काफी सराहनीय है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भांजे भांजे यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनको भी
उन्होंने बधाई दी है और जन कल्याण के महायज्ञ के लिए वोट डाले हैं, जिससे निश्चय ही हमारे सभी संकल्प पूरे होंगे। रबाल में पीसी सचिव कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता को धन्यवाद दिया और प्रदेश में हुई बंपर वोटिंग पर धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका मतदान नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। आपका एक एक वोट प्रदेश में फैले कुशासन को समाप्त करेगा और जनता जनहित सरकार की स्थापना करेगा। तो कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है और आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आपका मतदान नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। आपका एक एक वोट प्रदेश में फैले कुशासन को समाप्त करेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि जनहित की सरकार की स्थापना आपका वोट जरूर करेगा। तो चलिए सीधे रुख भोपाल का, बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में हुआ बंपर मतदान और प्रदेश में 76.22% का वोटर टर्नआउट 2018 विधानसभा के मुकाबले बड़ा है मतदान। 2018 में हुआ था 75.63% मतदान और महानगरों से ज्यादा दिखा छोटे जिलों में वोटिंग को लेकर उत्साह। आगरमालवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, देवास 80% से ज्यादा वोटिंग, हरदा, मंडला, मंदसौर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच में 80% से ज्यादा वोटिंग, वहीं निवाड़ी, रायगढ़, रतलाम, सीहोर, सिवनी, शाजापुर जिलों में भी 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की बात करें तो 75% से कम मतदान रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहाँ पे आपको बता दें कि 90% वोटिंग हुई है। अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है, जहाँ 54.04% वोटर टर्नआउट सामने आया है। तो 2018 के मुकाबले वोटर परसेंटेज बढ़ा है। प्रदेश भर में 76.22% वोटर टर्नआउट हुआ है। मध्य प्रदेश में यानी कि बंपर मतदान कल हुआ है। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मतदान के बाद ईवीएम में बंद हुआ है जनता जनार्दन का जनादेश और वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचाई गई है ईवीएम और वीवीपैट मशीन। 3 लेयर के सुरक्षा घेरे के अंदर रखा गया है जनादेश। सेंट्रल फोर्सेस के हवाले एमपी का जनादेश और सीआरपीएफ, सीएपीएफ और स्थानीय प्रशासन के जिम्मे सुरक्षा के इंतजाम। ईवीएम पर तीसरी आस्था भी पहरा है। 3 दिसंबर को खुलेगा एमपी की सियासत का पिटारा। तो ईवीएम पर तीसरी नजर का भी पहरा बनाए हुए हैं और आपको बता दें कि 3 दिसंबर वो तारीख है जब मध्य प्रदेश की सियासत का पिटारा खुलेगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में आपको बता दें कि ईवीएम मशीनें और ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है और 3 दिसंबर वो तारीख होगी जब मध्य प्रदेश की राजनीति का फैसला होगा। तो एक बार फिर से रुख भोपाल का, जहां पीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन आज और 76 साल के हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मतदान के बाद अब जन्मदिन पर कांग्रेसियों में कमलनाथ के जन्मदिन का उत्साह और आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाएंगे कमलनाथ। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच रहेंगे कमलनाथ कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद। तो 76 साल के हो चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ और कल चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आज कमलनाथ अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री 76 साल के हो चुके हैं पीसी चीफ कमलनाथ आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक बार फिर भोपाल का रुख करते हैं, जहां मतदान के दिन बीजेपी और कांग्रेस ने बनाए थे अपने मॉनिटरिंग सेंटर और मॉनिटरिंग सेंटर में रखी प्रदेश भर पर पैनी नजर। कांग्रेस ने
निर्वाचन आयोग में दर्ज करवाए हैं 15 मामले। बीजेपी ने मॉनिटरिंग सेंटर से दर्ज करवाए हैं 1918 मामले। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे, बीजेपी ने 1918 मामले दर्ज कराए। मतदान के दिन बीजेपी और कांग्रेस ने मॉनिटरिंग सेंटर बनाए थे। मॉनिटरिंग सेंटर से रखी गई थी प्रदेश भर में पैनी नजर। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 15 मामले ऐसे हैं जो दर्ज कराए गए हैं, वहीं बीजेपी ने 1918 मामले दर्ज कराए। निर्वाचन आयोग ने दर्ज कराए हैं 15 मामले। वहीं आपको ये भी बता दें, मॉनिटरिंग सेंटर से दर्ज करवाए गए हैं 1918 मामले। बीजेपी के मॉनिटरिंग सेंटर से 1918 मामले दर्ज कराए गए हैं। यहां रखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।